दोस्तों शुरू करते हैं अंगारा और बुलडॉग। ये पढ़ने से पहले इसका पहला पार्ट अंगारा और बलारा की राजकुमारी जरूर पढ़े, ये तभी आपको अच्छी लगेगी। सॉरी दोस्तों इसका थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं है, पर फिर भी भाग है, ये पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो फिर शुरू करते हैं। रात के समय बुलडॉग की शैतानी ताकतें जाग उठती थी। आज तो अमावसा की रात है, मैं ताजा खून पीऊंगा, रहम का फरिश्ता मुझे नहीं रोक सकता। हा हा, बुलडॉग अकेला नहीं था। हे मेरी इंद्रबख्शी सेना, कर्मा बस्ती को घेर लो, याद रखो ये वही बस्ती है जिसे रहम के फरिश्ते ने बचाया था। पहले मैं बस्ती में जाऊंगा और अपनी शैतानी ताकत से आग लगा दूंगा, आग से बचने के लिए ये बाहर भागेंगे और तब तुम सब उनका खात्मा कर डालो। मेरी खूनी प्यास भी पड़ रही है, जाग जा शैतान आत्मा। बुलडॉग कर्मा बस्ती तक पहुंचा और देखते देखते पूरी बस्ती में आग लग गई। और बचाओ, भागो आग, अदना नारी तू कहाँ जा रही है, बचाओ, अब तेरा तो खून पीऊंगा मैं, बुलाओ रहम के फरिश्ते को, कहाँ है वह, बचाओ तभी आए ठाक। कौन है तू, तेरी है मजाल, मैं हूँ रहम का फरिश्ता, आ गया रहम का फरिश्ता, आ गया फरिश्ता, तुम सब लोग आग बुझाने में लग जाओ, बस्ती से बाहर कोई मत निकलना, मैं इसे देखता हूँ। कुत्ते, तूने मासूम जानवरों को नरबख्शी बना दिया, मैं आज तेरे खून पीने वाले सारे दांत तोड़ डालूंगा, बांध डालो इसे। आ जल्दी बुलडॉग को बांध दिया गया, इसे जिंदा जला दो, नरबख्शी है यह, नर पिशाच है, इसने बहुत जुल्म ढाए हैं, इसने तो सेकंडों में मेरा कचूमर निकाल दिया, मैंने सोचा मेरी सामान्य ताकत ही इसे खत्म कर देगी, लेकिन हे मेरे शैतानी आका, हे मेरे इबलिस, मुझे फिर तेरी जरूरत है, जाग जा, तेरा रकीब खतरे में है। दूसरे पल्लाहा, खून खून ताजा खून, बुलडॉग ने अंगारा को आकाश में उछाल दिया, लेकिन जुम ग्रेट सर, उसके अंदर शैतानी ताकत आ गई है, थोड़ी दूरी पर जाकर, अब आप जरा आराम करें, मैं देखता हूँ इस शैतान को। अबे तू अगर शैतान है तो मैं शैतान का बाप हूँ, समझे कि नहीं, मेरा नाम जटायु है, याद रख पापी। हे मेरे शैतान आका, मैं तेरा पुजारी हूँ, इस शैतान के बाप से मुझे आजाद कर। अचानक बुलडॉग का वजन बढ़ने लगा, है यह तो भारी हो रहा है, वो इतना भारी कि मुझसे संभलना मुश्किल, इसे यहीं से छोड़ देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शैतान आका मेरी रक्षा करना। सुबह होते ही घरे टंकारा, मैंने उसको आकाश की ऊंचाई से फेंक दिया, उसकी हड्डी पसली बराबर हो गई होगी, जटायु पहले मुझे उस बस्ती में ले चलो। जटायु अंगारा को कर्मा बस्ती ले आया। अरे इस बस्ती में तो एक भी इंसान नहीं, सारे घर खाली है, कहाँ चले, कहाँ गए सब। तभी ऊ क्यों, तू जानता है कहाँ गए सब, अरे बोल डर क्यों रहा है। आधी रात के समय बुलडॉग और उसके खूनी दरिंदों ने फिर हमला किया और सब इंसानों को उठा कर ले गए। ओ क्या तुम बता सकते हो कि वे किस तरफ गए, दरिंदों ने उनकी लाशें जंगल में छोड़ दी होंगी। जटायु पूरा जंगल ऊपर से देख डालो, बस्ती वालों की लाशें तलाश करो। जटायु ने जंगल की उड़ान भरी, थोड़ी देर बाद वह लौट आया। इस जंगल में एक भी लाश नहीं है ग्रेट सर, तुम्हें अच्छी तरह ध्यान है, वे इसी बस्ती में आए थे। हाँ रहम के फरिश्ते, वो देखो किसी का आभूषण पड़ा है, वो यह तो किसी महिला का आभूषण है, तब तो ये इसी तरफ से गए हैं। क्या बुलडॉग के जानवर पहले भी इसी तरह आदमियों को उठाकर अपने इलाके में ले गए थे, नहीं वे जहाँ शिकार करते थे लाशें वहीं मिल जाती थी, हमें अब उसी के इलाके में जाना होगा। तभी वो ट्रांसमीटर पर संदेश पिक पिक, मैं अंगारा, अरे टंकारा आप तुरंत महल में चले आओ, राजकुमारी मैं यहाँ महल में आराम करने नहीं आया हूँ, ये बात नहीं है ग्रेट अंगारा, हमें आपसे गुप्त वार्ता करनी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मुलाकात करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, आप छुप कर आ सकते हैं, काला गुलाब का कोड प्रयोग करेंगे तो हर जगह रास्ता मिलेगा। काला गुलाब, रात के समय अंगारा बलारा देश के राजमहल पहुंचा। ठहरो कौन हो, काला गुलाब आओ, राजमहल के मुख्य द्वार पर, कौन, काला गुलाब अंदर आ जाइए। इस तरह काला गुलाब कहते कहते अंगारा राजकुमारी बलारा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया।
आपने मुझे किस लिए बुलाया राजकुमारी? मैं आपको अपने महल के गुप्त भाग से परिचित कराना चाहती थी, ताकि कभी अगर बुलडाग ने इस महल पर कब्जा किया तो मैं गुप्त स्थान में चली जाऊंगी, और यदि बुलडाग अपने अपने देश में सब अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो उसी गुप्त स्थान पर अपने प्राण त्याग दूंगी। गुप्तवास में मैंने अपने सपनों के राजकुमार की प्रतिमा स्थापित कर दिया। मेरे जीवन का अंतिम लम्हा उसी के चरणों में समाप्त होगा। मेरे टंगारा आपको उस प्रतिमा का अमावरण करना है, आपको उस प्रतिमा का अमावरण करना है, लेकिन उससे पहले मेरे गुप्त स्थान का तिलसम भी समझना है। मेरे सघन कक्ष में यह कबूतरों का जोड़ा है। इस जोड़े की आंखें जब ठीक एक सीध में होंगी और एक दूसरे में अपना बिंब देख लेंगी तो गुप्त स्थान का मार्ग खुल जाएगा। इस प्रकार इस सीढ़ी के 11वीं सीढ़ी पर कदम नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा बिजली का शॉक जानलेवा साबित होगा। अंतिम सीढ़ी पर दोनों पांव की तीन तीन थाप देंगे तो सामने का द्वार खुलेगा। ग्रह टंगारा बलारा का सारा खजाना इसी स्थान पर रखा गया है, और बलारा अंगारा को मूर्ति तक ले आइए, और यह है मेरे प्रीतम की प्रतिमा। अब आप इसका अनावरण करें। है यह तो मेरे टंगारा, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। राजकुमारी बलारा, मुझे आपके एक तरफा निर्णय से पूर्ण सहानुभूति है। मैं कोशिश करूंगी कि एक तरफा न रहे। खैर, अब हम आपको खजाना दिखाने ले चलते हैं। यह है खजाने का कमरा। कभी भी कितनी भी दौलत की जरूरत हो यहाँ से ले जाना। अंगारा की दौलत यह सोना चांदी नहीं है राजकुमारी। उसकी दौलत संसार के वह वन्य प्राणी है जो हमेशा इंसान की शिकार गाहों में शोभा बढ़ाते रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। चलिए, मुझे ऊपर ले चलिए। तभी अब बाहर निकलने का कष्ट आप लोगों को नहीं उठाना पड़ेगा। महामंत्री तानरा, आपने यहाँ आने की जरूरत कैसे की? क्योंकि आपकी गिरफ्तारी का सर्वश्रेष्ठ स्थान यही है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा। सिपाहियों, महामंत्री तानरा को गिरफ्तार कर लो। हाँ हाँ, अब आप बंदी है राजकुमारी बलारा। राजकुमारी को जाने दो, यह ग्रह टंगारा का हुक्म है। हाँ हाँ, अरे तेरा हुक्म चलता होगा जानवरों पर। हम चौपाई नहीं है बेवकूफ। न तो हमें दुम है। महामंत्री तानवरा के सैनिकों ने अंगारा पर हमला किया, लेकिन महामंत्री तानवरा, तुम्हारा यह जाबाज सैनिक दस्ता तो लाशों के ढेर में बदल गया, अब तुम्हारा क्या किया जाए? तब महामंत्री तानवरा ने गुस्से से आग बुबला होकर रिवॉल्वर निकाला। राजकुमारी, आप मेरे पीछे रहिए। है इस पर तो गोली भी असर नहीं करती। हा हा, क्या कुछ और भी लश्कर बाकी है महामंत्री? बुलडाग, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, मेरी जान खतरे में है। मैं ऊपर से यह खेल तमाशा देख रहा था, मेरे वफादार महामंत्री, और जरा यह भी देखना चाहता था कि यह राजकुमारी का मददगार क्या क्या ताकतें रखता है। मुझे सुजुकी और कामरान के लिए खतरे का संकेत दे देना चाहिए। और राजकुमारी ने अपने कंजन पर लगे एक छोटे से बटन को दबा दिया। सुजुकी जंगल में गुप्त स्थान में बैठा था, इसे उसके राजकुमारी बलारा ने उसे दिया खतरे का सिग्नल मिल गया। पिक पिक, और राजकुमारी खतरे में है। फौरन सुजुकी भागता हुआ राजमहल के पास पहुंचा। पहरेदार है, लेकिन मुझे किसी तरह महल में दाखिल होना है। सारे पहरेदारों का खत्म करके सुजुकी महल में दाखिल हुआ। है यहाँ तो इन आदमखोर शेर चीतों का राज हो रहा है। इन्होंने सारे पहरेदारों का खून पी लिया है। और तुम लोग तो यार लगते हो, लगता है सर्कस से भागे हुए हो। और मैंने बड़े बड़े नर बक्सियों को सर्कस में सीधा किया है। हम बुलडॉग के खास दस्ते के हैं। बुलडॉग खुद हमें ट्रेन करता है। हम हर रोज उसे सलाम बजाते हैं, लेकिन संसार में हमसे बड़ा ट्रेनर नियमित रो। सुजुकी ने अपने कर्तव्य दिखाए और जल्दी सभी दरिंदों को एक कतार में खड़े कर दिया। अब बताओ, तुम आदमखोर क्यों बन गए? हमारा आका खुद आदमी का खून पीता है। वह कहता है इंसान का खून सबसे ताकतवर होता है और हमें उसका हर हुक्म मानना होता है। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा आका भी आया है? हाँ, तो यारो हमको भी उनसे मिलाओ। चलो, बस इसके अंदर जाने का हुक्म नहीं है, आका वहीं गए हैं। सुजुकी गुप्त कक्ष में उतर गया। बुलडा कुत्ते, सावधान, में आ गया हूँ, सांगू का बेटा। अबे उठ, अब तो तेरा खून पीऊंगा मैं। वो यह सुजुकी का खून पीने जा रहा है। ठाक, हाँ,
सुजुकी इसकी टांगे पकड़ लो जल्दी। सुजुकी, हम इसे इसी तरह जुनाते हुए खजाने वाले कमरे में फेंक देंगे। राजकुमारी, आप तुरंत कमरा बंद कर देना। अब वह कमरे में बंद हो चुका है। जब वह खून नहीं पाएगा तो मर जाएगा। लेकिन अंगारा का अंदाजा गलत था। बुलडॉग इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। शैतानिया का खोल दे, तिलसम खोल दे, इस दरवाजे को पिघला दे शैतानिया का। बुलडॉग के मुंह से आग निकलने लगी, जिससे वह लोहे का दरवाजा भी पिघल गया। आहा अंगारा, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। तेरा जिस्म फौलाद का है, तेरे शरीर में हाथियों का बल है, तेरा दिमाग लोमड़ी जैसा है। तू मार खाकर नहीं मरेगा, मैं तुझे जलाकर कोयला बना दूंगा। जय शैतान। बुलडॉग के मुंह से आग की लपटें निकलने लगी और दूसरे पल आहा, देखा अंगारा कोयला बन गया। मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। स्वामी, कमीने, तूने मेरे स्वामी को कोयला बना दिया। अब तेरा खून पीऊंगा मैं। सुन सुजुकी, मैं जिसका खून पी लेता हूँ वह मेरा गुलाम बन जाता है। मेरी तरह शैतानों का पुजारी होता है, इसलिए जब तुझे होश आएगा तो तू मेरा गुलाम होगा, मैं तुझे सेनापति बनाऊंगा। राजकुमारी को इसी कक्ष में कैद कर दो महामंत्री, और कोयला बनी अंगारा की मूर्ति राजा सभा में लगा दो। अब हम बलारा के राजा हैं। समाप्त दोस्तों, यह भी अधूरी रह गई। इसका भी अगला पाठक ग्रेट अंगारा, वो भी पढ़ेंगे। इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब करना।